डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आज मेरा तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में अगर आपको मूविंग एवरेज मेथड, जो कि काफ़ी परेशान कौन है, अगर मूविंग एवरेज मेथड फॉलो करना हो तो किस तरीके से आप वो फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये वही स्टोर है, वही चड्डा पहना हुआ आदमी है, ये लगता है यहाँ ये कोई ऐसे इलाके में जहाँ बारिशें बहुत होती हैं। जब भी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का जिक्र किया जाएगा, ये इन्वेंट्री कार्ड जो है वो इसके साथ एक लाजिम एलिमेंट है जिसे आप बनाएंगे। अब यहाँ पर ये ओनर आया और ये इसे कारोबार की कुछ ट्रांजैक्शंस मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वही बैलेंस है August 1 को, यानी ऑफिस में दाखिल हुआ तो देखा कि भाई 1000 यूनिट्स जो है वो रखे हुए हैं। बिल्कुल वही तरीक़ार है, 1000 यूनिट लिख दीजिए August 1 में, 1000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये उसकी कॉस्ट हो गए, ठीक है। और ये बात मैं आपको परपेचुअल सिस्टम में फीफो और लीफो मेथड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर से ये आदमी परचेस कर लेकर आया, इसको लगा कि भाई सामान 1000 यूनिट कम पड़ेंगे, ये बाज़ार गया 3 तारीख को और 4000 यूनिट खरीद कर लेकर आया 12 रुपये के हिसाब से। अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ पर डेट डालेंगे August 3, परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज से कॉलम में 4000 यूनिट्स, 12 रुपये के हिसाब से खरीदें तो 12 रुपीज़, मल्टीप्लाई करें तो 48,000। अब जब बैलेंस में आते हैं ना, तो बैलेंस को समझिएगा, बैलेंस में करना क्या है। देखिए, पिछले दो मेथड्स में ये हो रहा था कि इंसान बड़ा परेशान था कि पहले मैं पहले वाला माल बेचूं या पहले मैं बाद वाला, यानी कि जब कैलकुलेशन करूं तो 10 रुपये वाले माल की पहले कैलकुलेशन करूं या 12 वाले, बड़ी परेशानी के आलम में मुब्तला था वो। अब अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि भाई हर माल का एक ही रेट हो जाए, कोई 10 वाला नहीं, कोई 12 वाला नहीं, कोई 15 वाला नहीं, हर माल का अगर एक ही रेट हो जाए, सोचिए कितनी आसानी होगी। कोचिंग सेंटर में भी किसी बच्चे की फीस 4000 है, किसी की 3500 है, किसी की 3800 है, किसी की 3700 है, किसी की 4200 है, कितनी परेशानी होती है अलग अलग फीस याद करना। अगर सबकी फीस यूनिफॉर्म हो जाए, यानी एक जैसी हो जाए, 3800 3800 3800 3800, तो सोचिए कितना आसान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे पास दो अलग अलग रेट्स ना हो, बल्कि इन दोनों को मिलाकर मैं एक ही रेट आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, सबका रेट एक कर देना चाहता हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करना है, जब परचेज करेंगे मूविंग एवरेज मेथड में, तो देखिए बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हैं बैलेंस के यूनिट्स और ये हैं परचेज के यूनिट्स। करना क्या है, यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस के यूनिट्स में प्लस कर दीजिए परचेज के यूनिट्स को, यानी दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। ये है बैलेंस के यूनिट, 1000 यूनिट पहले के रखे हुए, 4000 यूनिट आप अभी खरीद कर लेकर आए, टोटल यूनिट कितने हो गए 5000। अब हमने सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, अलग अलग रखने की झंझट ही खत्म हो गई। पहले कितने का माल था 10000 का, अभी कितने का माल लेकर आए 48000, यानी 48000 का। तो कितने का माल हो जाना चाहिए मेरे पास, कॉस्ट को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, बैलेंस की टोटल कॉस्ट प्लस परचेज की टोटल कॉस्ट, इन दोनों को मिला दें तो ये हो जाएंगे 58000। अब एक यूनिट क्या 10 रुपये का है मेरे पास या 12 रुपये का है, तो आप बोलेंगे नहीं सर आपने दोनों को मिक्स कर दिया, तो आप अपने अंदाजे से कहेंगे सर अब एक यूनिट 11 रुपये का हो जाना चाहिए। नहीं, 11 रुपये का नहीं होगा, ये इसकी एवरेज 11 के करीब करीब होगी। तो अब यहाँ पर ना 10 रुपये वाला माल है ना 12 रुपये वाला माल है, बल्कि एक एवरेज कीमत मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो एवरेज का क्या तरीका रहा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी है 58000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने हैं 5000। तो 58000 को पहले तो 5000 से अपने कैलकुलेटर पर खुद वीडियो रोककर अपने गुनाहगार हाथों से डिवाइड कीजिएगा, सभी के हाथ गुनाहगार है, क्या करें हम लोग ऐसे माशरे में रहते हैं। तो 58000 को 5000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 11.6, आपके कैलकुलेटर पर 11.6 आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर 11.60 पॉइंट के बाद मैंने 2 डेसिमल ले लिए, आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पॉइंट के बाद मैंने डोडियो लिए 11.6, यानी यूनिट कॉस्ट जो है वो मेरी यहाँ पे पढ़िएगा, यूनिट कॉस्ट चेंज आफ्टर एवरी परचेज, हर परचेज के बाद जितनी बार मैं परचेज करूँगा ये कॉस्ट प्रीवियस वाली नहीं रहेगी बल्कि चेंज होती चली जाएगी, हर बार जब भी मैं नई परचेज करूँगा ये यूनिट कॉस्ट जो है वो चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब मेरे पास जो यूनिट रखे हुए हैं वो ना 10 रुपये वाले हैं ना 12 रुपये वाले, बल्कि हर यूनिट जो है वो 11.6 का हो गया, 5000 यूनिट रखे हुए हैं, टोटल कीमत 58000 रुपये, ठीक है जी। बहुत आसान सी कहानी हो गई है कि हर माल को आपने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। इसके बाद फिर मेरे पास एक कस्टमर आया 10 अगस्त को, कहता है 3000 यूनिट बेच दो, वही 20 रुपये के हिसाब से मैंने उसका ठीक है बेच दूंगा 20 रुपये के हिसाब से। तो 10 अगस्त को मैंने उसे यूनिट बेचने का
तहिया गया। अब मैं स्टोर में गया, आप देखिए कितनी आसानी है मेरे लिए, ना कोई 10 रुपये वाला यूनिट है, ना कोई 12 रुपये वाला यूनिट है, मेरे स्टोर में सिर्फ एक ही डब्बा रखा हुआ है जिसमें 5000 यूनिट है और हर यूनिट 11.6 का। तो इस 5000 में से मुझे कितने बेचने हैं, मुझे सिर्फ 3000 यूनिट बेचने हैं, तो बेच दीजिए। कस्टमर मांग रहा है, सेल के कॉलम में लिखिए 3000 यूनिट, डेट डाल दिया आपने अगस्त एंड, 3000 यूनिट बेचेंगे। अब 20 रुपये तो उसकी सेलिंग प्राइस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस कॉलम में सेलिंग प्राइस नहीं लिखी जाती, आप उसे जो एक यूनिट बेच रहे हैं वो कितने रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। एक यूनिट बेशक 20 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन एक यूनिट की जो असल कीमत है वो है 11.6। तो यहाँ पर आप एक्चुअल कॉस्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है वो कीमत जो आपकी जेब से लगी हुई है, तो आपकी जेब से इस पे लगे हुए 11.6 रुपीज। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 34,800 रुपीज, ठीक है। 3000 यूनिट कस्टमर को दिए, 11 रुपए वाले 34,800 रुपए उसकी कीमत बनती है। ये कह के कस्टमर आपको अल्लाह हाफिज कह के चला गया, यूनिट्स लेकर चला गया। अब आप अपने स्टोर में गए, स्टोर में जाकर देखेंगे कि भाई पहले 5000 यूनिट थे, इसमें से 3000 यूनिट मैंने क्या कर दिए, बेच दिए। तो अब स्टोर में कितने यूनिट रहने चाहिए, आप खुद तो अपने आप को जवाब दीजिएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है 2000 यूनिट। कैसे, बैलेंस यूनिट्स में से बैलेंस यूनिट्स कितने हैं 5000, माइनस सेल यूनिट्स, जो भी सेल यूनिट्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 3000, इनको माइनस कीजिए तो आंसर आता है आपके पास 2000, लेस करना, आपकी बार ऐड नहीं बल्कि लेस करना। इसी तरीके से बैलेंस की कॉस्ट, पहले कितने का माल था 58000 का, अब कितने का माल उसमें से चला गया 34,800 का माल चला गया, तो जो माल चला गया वो इसमें से माइनस करके यहाँ पर लिखिएगा, मल्टीप्लाई करके कभी मत लिखिएगा। रीज़न ये है कि अभी तो आपके कैलकुलेटर पे 11.6 बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर ऐसा होगा कि जब आप इसे यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 11.6394723, इस तरह से आंसर आएगा। जब इतनी बड़ी वैल्यू आएगी तो इतनी बड़ी वैल्यू आप यहाँ लिख नहीं सकते, तो आप उसे पॉइंट के बाद दो, अच्छा ये जहन में रखना है कि आपके दिमाग में, अगर सर मैं इसे राउंड करके 12 कर दूँ, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, यूनिट कॉस्ट को राउंड ऑफ नहीं करना, मतलब उसको पॉइंट ख़त्म नहीं करना, पॉइंट में आंसर आया तो पॉइंट के बाद दो डिजिट या तीन डिजिट या चार डिजिट जो आपको लाजमी तौर पर लिखने हैं, उससे आपके आंसर पर ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। तो यूनिट कॉस्ट यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो ये अगर राउंड वैल्यू आ रही तो आंसर भी राउंड आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन आपके जब क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करते हैं तो उसमें ये वैल्यूज राउंड नहीं आती हैं, बहुत लंबी वैल्यू आती है, तो उसकी वजह से आपके इन दोनों आंसर्स में जो है वो इफेक्ट पड़ सकता है। तो तरीकार ये, दोबारा समझिएगा कि कितने का माल था, 58000 का माल था, इसमें से कितने का माल आपने सेल कर दिया, 34,800 का माल आपने सेल कर दिया, जो माल सेल कर दिया वो क्या हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। तो बैलेंस टोटल कॉस्ट में से, बैलेंस की टोटल कॉस्ट 58,000 माइनस सेल्स की टोटल कॉस्ट 34,800, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए यानी लेस कर दीजिए, तो आपके पास बचता है 23,200 का माल। अब यूनिट कॉस्ट, क्या यूनिट कॉस्ट मेरी चेंज होगी, पहले मेरे पास कितने वाला माल था 11.6, क्या वो माल चेंज हो गया है, तो उसका जवाब है नहीं सर, आपके डब्बे में वही माल रखा हुआ है 11.6 वाला, तो यूनिट कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं होगी, 11.6 रहेगी, यानी जब सेल करेंगे तो यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होगी, जब परचेज करेंगे तो यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, इसके बाद मैं फिर से परचेज कर लेकर आया 17 अगस्त को, यह आपको पता है 6000 यूनिट परचेज किए, तो डेट अगस्त 17 ये परचेज करें, तो परचेज कॉलम में 6000 यूनिट, एक यूनिट 15 रुपये के हिसाब से कीमत हो गई 90,000। बैलेंस पे अगर आऊँ तो देखिए, अब आप एक बार परचेज कर चुके हैं तो मेरा मशवरा ये है कि वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बैलेंस को या तो वर्बली या कैलकुलेटर पे या जैसे भी पेंसिल स्लेट लेकर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपका बैलेंस क्या आ रहा है, उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए और चेक कीजिए। पहले 2000 यूनिट थे, 6000 यूनिट आपने और खरीदे, अब कितने हो जाने चाहिए, परचेज कर रहे हैं तो यूनिट्स आपके पास ऐड हो जाने चाहिए यानी 8000 यूनिट्स। पहले 23,200 रुपये का माल था, अभी 90,000 रुपये का माल आपने और परचेज किया है, यूनिट्स परचेज कर रहे हैं तो माल बढ़ जाएगा, कीमत भी बढ़ जाएगी, दोनों की कॉस्ट को आपस में क्या कर दीजिए ऐड। टोटल कॉस्ट कितनी थी पहले, कितने का माल था हमारे स्टोर में 23,200 रुपये का, और अभी 90,000 का माल खरीदा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए तो 113,200 रुपये का माल हो गया। पहले जो मेरे पास स्टोर में माल था वो 11.6 वाला माल था, क्या अब भी मेरे स्टोर में 11.6 वाला माल ही होगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं सर, पहले 11.6 वाला माल था, अभी 15 रुपये वाला माल आपने और ख़रीदा है, तो दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस है। जब दोनों की कॉस्ट डिफरेंस है और आपने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया तो इनकी यूनिट कॉस्ट ना 11 रहेगी ना 15 रुपये की, बल्कि इनके दरमियान में कोई एक कॉस्ट आएगी। तो यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी कि टोटल कॉस्ट को, ये टोटल कॉस्ट कितनी है 113,200, इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल यूनिट से, टोटल यूनिट्स कितने हैं 8000, डिवाइड करेंगे तो आपके पास इत्तेफाक से फिर राउंड आंसर आ रहा है 14.15 बस।
मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा सवाल हो गया, इत्तेफाक हो गया कि आंसर्स जो भी आ रहे हैं वो एक राउंड नंबर में आ रहे हैं, वरना मूविंग एवरेज मेथड में आमतौर पर आपका आंसर राउंड नहीं आएगा, बहुत लंबी सी वैल्यू आएगी, 14.15237891 इस तरह की लंबी वैल्यूज आएगी। तो मैंने कहा था कि जब आप परचेज करेंगे तो आपकी यूनिट कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी हर परचेज के बाद, पहले 11.6 थी, पहले 10 थी, पहले 11.6 हुई और अब 14.15 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। इसके बाद फिर एक कस्टमर आया मेरे पास 25 अगस्त को, कहता है 5,000 यूनिट दे दो। मैं बोलता बिल्कुल दे देंगे सर। स्टोर में गया तो देखा यही डब्बा रखा है, उस डब्बे में से निकाल के 5,000 यूनिट लाकर मैंने कस्टमर को दे दिए, सेल कर दिए। तो सेल के कॉलम में लिखूंगा डेट है अगस्त 25, सेल के कॉलम में 5,000 यूनिट लिखे, बेशक 20 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर माल की असल कीमत रखूंगा। अब जो मैं उससे सामान बेच रहा हूँ वो 11 रुपये वाला नहीं है, वो 10 रुपये वाला नहीं है, वो 15 रुपये वाला नहीं है, बल्कि हर माल अब कितने रुपये का है मेरे पास, 14.15। तो 14.15 वाला मैंने उसे माल बेच दिया। जब माल बेच दिया कस्टमर चला गया, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो कितनी बनती है उसकी, 70,750, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आया। ये माल मैंने कस्टमर को दिया, कस्टमर चला गया, कैसे दिखाता हूँ, टाटा चला गया। अब जो उसके जाने के बाद मैं अपना बैलेंस चेक करता हूँ, पहले 8,000 यूनिट थे, 5,000 दे दिए, अब कितने बचने चाहिए सर, 3,000। यूनिट्स में से यूनिट्स को माइनस कर दीजिए, 8,000 में से 5,000 माइनस करें, 3,000। इसी तरीके से पहले 1,13,200 रुपये का माल था, इसमें से 70,750 रुपये का माल मैंने सेल कर दिया, बेच दिया। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि इनको मल्टीप्लाई कर कर लिखने की, यानी कि यहाँ पर 14.15 लिख के इसको मल्टीप्लाई करके लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, कुछ रुपयों का डिफरेंस आ जाएगा, 8, 10, 12, 15, 2, 20, 40 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। तो करना क्या है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,13,200, इसमें से माइनस कीजिए 70,750 को, जो माल बेच दिया वो माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए सेल की टोटल कॉस्ट को, माइनस करें तो आंसर आता है 42450। क्या यूनिट कॉस्ट मेरी चेंज होगी, पहले 14 वाला माल था डब्बे में, अभी भी वही माल रखा हुआ है सर, तो यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होगी, यानी यूनिट कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट 14.15। ठीक है भाई, इसके बाद का पैटर्न आपको मालूम है, परचेज का टोटल किया 10,000, इसका टोटल 1,138, सेल का टोटल करें तो 5 और 3, 8,000 यूनिट सेम रहे, टोटल कॉस्ट को टोटल कीजिए तो ये बनता है 105,550। और बैलेंस का तरीका मैंने ये बताया कि शुरू से टोटल नहीं करना आपको, सिर्फ जो लास्ट डेट थी उसमें जो कुछ लिखा हुआ है बस उसका टोटल करना है। तो इसका अगर टोटल करें तो बनता है 3,014 और इसकी जो कॉस्ट बनती होती है 42,450। ये टेबल आपको क्या बता रहा है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि कितने रुपए का माल परचेज़ किया 138 का, कितने रुपए का माल बेचा यानी उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या थी 105,550, और कितने का माल आपके पास एंड में बचा है। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, वही मेथड है, चाहे तो वेरीफाई करके देख लीजिएगा। ये यहाँ पर जो है वो मेरा मूविंग एवरेज मेथड भी जो है वो कम्प्लीट हो गया है। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने तो आपको भरपूर समझाने की कोशिश की है, अब आप को देखते हैं कि आपको किस हद तक समझ में आता है। ये तीनों मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इवन के मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना बताया, मैंने सिर्फ लीफो मेथड से बताया था, फीफो और मूविंग एवरेज मेथड से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस क्या आंसर आता है आपके प्रॉफिट का। उम्मीद है कि आपको परपेचुअल सिस्टम समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पीरियोडिक सिस्टम के हवाले से, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।